बारिश का कहर दहशत में पगनू गांव के ग्रामीण जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक ऐसा दूरस्थ गांव जिस गांव का नाम पगनू है। बता दें जोशीमठ ब्लॉक का पगनू गांव पिछले साल अगस्त से भूस्खलन और दरारों का दंश झेल रहा। बड़ी बात तो यह मानसून की शुरू होते ही एक बार फिर से पगनू गांव की मुसीबत बढ़ी। आजकल लगातार गाँव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से जबरदस्त मालवा गांव तक पहुंच रहा जिसके कारण पगनो गांव में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों के घरों में जबरदस्त मोटी मोटी दरारें हैं। पहाड़ी का मालवा लोगों के लिए मुसीबत बना। ग्रामीण पूरी तरह से डरे सहमे सुरक्षित स्थानों पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। पिछले साल अगस्त माह में इस गांव में काफी नुकसान हुआ था। रास्ते टूटे थे, सड़क टूट चुकी थी, लेकिन घर के आशियाने भी टूट चुके थे। मंदिर मठ विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त थे, लेकिन एक बार फिर से मानसूनी बरसात में कहर ढा दिया। आपदा जैसे हालत बन चुके पूरे पगनो गांव में ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगा उनकी मदद हो, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से किस तरह से मलवा गांव तक पहुंच रहा। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देखें। ग्रामीणों के आंखों में आंसू छलक रहे, एक दूसरे को सहारा दे रहे, लेकिन इन ग्रामीणों की मदद करने वाला अब तक कोई नहीं दिख रहा। काफी परेशानियों की मार इस वक्त पगनो गांव झेल रहा। ग्राम प्रधान श्रीमती लिम्बा देवी, ये कहना चाहती हूँ कि देख सकते हैं कि कल रात से 11 बजे से सब लोग इधर उधर अपने अपने बाल बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित जगहों में गए, लेकिन गाय जो सामान रहते वही है। दोनों जगहों से गांव के इधर भी उधर भी पूरा नाला बन चुका है और अभी तक शासन प्रशासन से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली। कई बार मैं ग्राम प्रधान रीमा देवी ने कई बार 12 बजे से उनको कॉल करी, किसी ने अभी तक 12 बजने वाले हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा विवाद विस्थापित किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।